हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमरजेंट लिटरेसी के बारे में मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशन यानी क्या मतलब है क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं इम्पॉर्टेंट क्या रिजल्ट देखा जाता है इमरजेंट लिटरेसी रेफर्स टू द फाउंडेशनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट यंग चिल्ड्रन डेवलप बिफोर दे फॉर्मली लर्न टू रीड एंड राइट मतलब जब कोई भी बच्चा लिखना सीखता है या पढ़ना सीखता है उससे पहले जो एक बेसिक स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं मतलब होता है ना कि जो भी चीज़ें या एक्सपीरियंस जो एक बच्चा डेवलप कर लेता है उससे पहले कि वो सीखे या बोले मतलब पढ़ना सीखे या फिर पढ़, लिखना सीखे तो इसमें कई सारी एबिलिटीज़ आती हैं इमरजेंट लिटरेसी में जैसे कि नॉलेज आ गई बिहेवियर आ गए जो बेसिकली उसका ओवरऑल जो सक्सेसफुल लिटरेसी डेवलपमेंट बाद में होता है ना वो स्टार्ट करते हैं जैसे कि सपोज़ कोई बच्चा है वो एक्चुअली पढ़ना सीख रहा है उससे पहले उसके अंदर यू you नो know, चीज़ों को एक्वायर करने की स्किल्स आ जाते हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं इमरजेंट लिटरेसी एक्नोलॉज दैट लिटरेसी डेवलपमेंट बिगिनस लॉन्ग बिफोर अ चाइल्ड स्टार्ट फॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग इंस्ट्रक्शन तो इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मतलब अगर हम इस कॉन्सेप्ट के अंडर देखें लिटरेसी डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है लाइक like, जब बच्चा फॉर्मल रीडिंग सीखता है प्रॉपर जैसे हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं राइटिंग स्टार्ट करते हैं उससे कई पहले उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप हो जाते हैं इन स्टील इट एम्फिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग अ सपोर्टिव इन्वॉर्मेंट दैट प्रमोट अर्ली लैंग्वेज स्किल्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड रीडिंग एंड राइटिंग मतलब कि इसमें फोकस किस पे होता है एक सपोर्टिव बिल्ड करने पे इमरजेंट लिटरेसी में हमारा फोकस है इमरजेंट के अंदर हमारा फोकस क्या है कि हम इनवायरमेंट क्रिएट करें जो कि बच्चे के अंदर स्टार्टिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग शुरुआत के टाइम के जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं वो बच्चे के अंदर एक एंथुजियाजम आए पॉजिटिव एटीट्यूड आए रीडिंग और राइटिंग को लेके एक्चुअल रीडिंग एंड राइटिंग तो वो जब करेगा तब करेगा लेकिन उससे पहले उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए उसकी एक पॉजिटिविटी एक सोच uh, होनी चाहिए कि मुझे लिखना है पढ़ना है वो सब चीज़ें की कंपोनेंट्स क्या होते हैं इमरजेंट लिटरेसी के ओरल लैंग्वेज स्किल्स द एबिलिटी टू लिसन स्पीक एंड कम्युनिकेट अफेक्टिवली इज क्रूशियल फॉर लिटरेसी डेवलपमेंट अच्छे से चीजों को सुनना बोलना और बात करना बहुत जरूरी है अगर हम लिटरेसी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं चिल्ड्रंस जो होते हैं मतलब चिल्ड्रन जो होते हैं वो वोकेबुलरी डेवलप कर लेते हैं ठीक है मतलब वर्ड्स उनको आने लग जाते हैं धीरे धीरे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना शुरू कर देते हैं और किस तरह से चीज़ों को समझ के उसका मतलब निकालना है कॉन्वर्सेशन करनी है वो सब करना शुरू कर देते हैं जो भी उनका ध्यान रख रहे होते हैं या उनके दोस्तों के साथ तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे इमरजेंट लिटरेसी के अंदर बेसिक स्किल्स आ जाते हैं अभी तक उसको पता भी नहीं है कि ग्रामर क्या है क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है बट वो किसी से भी इंटरैक्ट कर लेता है ठीक है तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस दिस इन्वॉल्व रिकोगनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द साउंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इसके अंदर क्या होता है बच्चा पहचानता है और उसको मैनिपुलेट करता है किसको जो भी वर्ड्स बोले जाते हैं स्पोकन लैंग्वेज के उनको ठीक है वो उनको समझता है मैनिपुलेट करता है एंड कई सारी एक्टिविटी जैसे कि राइमिंग एक्टिविटी एलिट्रेशन एक्टिविटी सेगमेंटिंग वर्ड इन टू इंडिविजुअल साउंडस हेल्प चिल्ड्रन डेवलप फोनोलॉजिकल अवेयरनेस मतलब इसमें ना ये सब ना फिगर ऑफ़ स्पीच होते हैं ठीक है वर्ड कितना रिपीट हो रहा है क्या कितना किस टाइप से वर्ड रिपीट हो रहा है कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है राइमिंग कैसी है वर्ड्स को सेगमेंट करना एक तरफ रखना और अलग अलग साउंड्स में अगर हमें उसे बांटना है तो वो सब करना उससे बच्चे की ना साउंड को लेके साउंड को लेके वर्ड्स के साउंड को लेके एक अवेयरनेस बनती है एंड ये बहुत ही वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट स्किल है जो बाद में रीडिंग और स्पेलिंग में मदद करेगा ठीक है प्रिंट अवेयरनेस चिल्ड्रन लर्न दैट प्रिंट कैरीज मीनिंग एंड दैट लेटर फॉर्म वर्ड दे डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक लेफ्ट टू राइट डायरेक्शनैलिटी टॉप टू बॉटम सिक्वेंसिंग एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन लेटर एंड पिक्चर देखो बच्चा पढ़ना सीखे उससे पहले बच्चे को ये सब समझ में आ जाता है कि हम कोई चीज़ रीड करते हैं स्पेसिफिकली जो लैंग्वेजेस हम मोस्टली इंडिया में बोलते हैं सपोज इंग्लिश की बात कर लेती हूँ हिंदी बोल देती हूँ या कोई और भी लैंग्वेज ले लीजिए कन्नड ले लीजिए तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं राइट टू लेफ्ट नहीं लिखते हम लोग मोस्टली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं और टॉप टू बॉटम जाते हैं जब हम पेजेस पे लिखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं है ना तो ये जो है चिल्ड्रन ने ये लर्न करा दैट लेटर फॉर्म वर्ड्स यानी कि छोटे छोटे जो लेटर्स होते हैं वो बाद में वर्ड्स बनाते हैं एंड उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शनैलिटी क्या होता है टॉप टू बॉटम सिक्वेंसिंग क्या होता है एंड लेटर्स और पिक्चर में डिफरेंसेस होते हैं ठीक है एंड साथ में लेटर नॉलेज रिकोगनाइजिंग एंड नेमिंग लेटर्स ऑफ द एल्फाबेट इज एन एसेंशियल स्किल चिल्ड्रन ग्रेजुअली लर्न टू एसोसिएट लेटर शेप्स नेम्स एंड साउंड मतलब रिकोगनाइज करना एंड नेम करना लेटर्स ऑफ द एल्फाबेट एक बहुत असेंशियल स्किल माना जाता है बच्चे धीरे धीरे लर्न करते हैं कैसे उन्हें शेप्स को नेम्स को इन साउंड को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करना है ठीक है तो ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर बहुत स्टार्टिंग से ही डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं फिर है बुक हैंडलिंग स्किल्स Children learn how to hold a book, turn its pages, and understand that books contain stories and information. These skills prepare them for independent reading. देखो ये सारी चीज़ें ना वो बातें हो रही हैं बच्चा पढ़ने से पहले या लिखने से पहले ये चीज़ें तो सीख ही जाता है कि बुक कैसे पकड़नी है या फिर पेजेस कैसे पलटने हैं या फिर बुक्स के अंदर स्टोरीज होंगी इन्फॉर्मेशन होंगी ये सब चीज़ें बच्चे को पहले से ही पता चल जाती हैं स्टोरी टेलिंग इन नैरेटिव स्किल्स अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरीज एंड बींग एबल टू रिटेल दैम हेल्प चिल्ड्रेन कॉम्पिटिशन एंड प्रोड्यूस रिटर्न लैंग्वेज बच्चे छोटे बच्चों की आदत होती है जो सुनते हैं ना स्टोरीज आस पास से या जो प्रोसेस सुनते हैं उसको रिपीट करते हैं ठीक है थीके? तो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी की स्टोरी क्या होती है उसको दोबारा बताना ज्यादा उन्हें पता नहीं होगा पर बचपन में जो स्टोरीज उन्होंने सुनी होंगी वो सब चीज़ें वो शेयर करते हैं एंड उससे उनको ना एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा हाँ ये लैंग्वेज है इस तरह से लैंग्वेज बोली जाती है नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें मेन फैक्टर्स इम्प्लीकेशन ऑफ इमरजेंट लिटरेसी सबसे पहले है पेरेंट्स एंड केयर गिवर इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स एंड केयर गिवर यानी जो भी ध्यान रख रहे हैं वो और पेरेंट्स उन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों के अंदर इमरजेंट लिटरेसी डेवलप करने का देखो जो वो इस एज है ना उसमें बच्चा वैसे भी या तो पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहता है या केयर गिवर्स के साथ रहता है तो ऐसे में आप बच्चों के अंदर लिटरेसी यानी कि इमरजेंट लिटरेसी डेवलप कर सकते हैं उनके सामने तेज़ पढ़िए उनको कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कीजिए उनसे बातें करिए उनको रिच लैंग्वेज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करिए ताकि उनकी जो बेसिक फाउंडेशन है बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग डेवलप हो जाए अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेटर शुड इन कारपोरेट एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट एमरजेंट लिटरेसी सच एज रीडिंग स्टोरीज एंगेजिंग इन डिस्कशन एंड प्लेइंग विद लेटर्स एंड साउंड अर्ली चाइल्डहुड हुड एडुकेटर क्या करते हैं ना जो बच्चे जो लोग मतलब हम बात करते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो आपने देखा होगा वो बच्चों को ना बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि उनको सिखाते हैं कि देखो स्टोरीज पढ़नी है डिस्कशन करते हैं उन लोगों के साथ लेटर्स और साउंड्स के साथ उनको सिखाते हैं कैसे बोलना है कैसे यू नो वी हैव टू प्ले ये सब चीजें बच्चा सीखने लग जाता है फिर है क्रिएटिंग लिटरेसी रिच इन्वॉर्मेंट होम्स classrooms and एंड should शुड बी फिल्ड विद प्रिंट मटेरियल सच एस बुक्स पोस्टर लेबल्स एंड साइन यानी कि घरों में क्लासरूम में कम्युनिटीज कहीं भी बच्चा जा रहा है तो उनके लिए प्रिंट मटेरियल जैसे कि बुक्स पोस्टर लेबल, साइन ये सब होने चाहिए उससे क्या होता है ना बच्चों के अंदर रिटर्न लैंग्वेज को लेकर की डेवलप होती है वो और ज़्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं ठीक है तो ये सब चीजें हमें स्टार्टिंग से ही अगर हम ध्यान देंगे ना आपने देखा होगा छोटे बच्चों के क्लासरूम्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क ख ग बोर्ड उनके बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत ही ज्यादा ऐसे बनाए जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो ठीक है इंडिविजुअलाइज लर्निंग रिकोगनाइजिंग दट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एडुकेटर शुड टेलर एक्टिविटी टू अर चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज एंड इंटरेस्ट हर बच्चे का सीखने का अपना अलग लेवल होता है धीरे धीरे सीखता है कोई बच्चा जल्दी सीखता है मतलब लेवल की जगह यहाँ रेट वर्ड सही होगा मतलब रेट सबका अलग अलग होता है जैसे कि कोई बच्चा बहुत फास्ट कोई बच्चा बहुत स्लो तो हमें टीचर्स को एडुकेटर्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चे की स्टेज जो है डेवलपमेंट की और इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है उसके अकॉर्डिंग वी शुड प्लान प्लान द एक्टिविटीज है ना पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड लिटरेसी एनकरेजिंग अ लव फॉर रीडिंग एंड राइटिंग क्रिएट अ पॉजिटिव असोसिएशन विद लिटरेसी एडुकेटर्स पेरेंट्स केयर गिवर अगर बच्चे के अंदर स्टार्टिंग में ही मतलब रीडिंग को लेकर राइटिंग को लेकर एक यू नो लव क्रिएट करेंगे एक पॉजिटिव असोसिएशन उनके दिमाग में बिठाएंगे तो बच्चा ना लाइफ लॉन्ग लर्नर बहुत अच्छा बनेगा ठीक है इन कार्पोरेटिंग प्ले प्ले बेस्ड एक्टिविटी सच एज ड्रॉइंग स्टोरी टेलिंग एंड इमेजिनेटिव प्ले कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इमर्जेंट लिटरेसी स्किल जब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ ऐसे करानी है कि बच्चे की लैंग्वेज यानी एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो लेकिन बच्चा मतलब यू नो एंजॉय करे तो उनको ड्राइंग के थ्रू पढ़ाना स्टोरी टेलिंग स्टोरीज बता के इमेजिनेशन के थ्रू इन सब से बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी होती है और इमर्जेंट लिटरेसी स्किल डेवलप होते हैं छोटे बच्चों starting में ही स्टार्टिंग में ही हम लोग यू नो डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड बच्चे को बताना शुरू कर देते हैं कि देखो बेटा ये है सब ऐसा ऐसा है सब साथ में करेंगे कोई भी काम और हमें हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी है मतलब आप उन्हें बोलोगे नहीं लेक्चर नहीं दोगे आप उनको समहाओ अपने एक्शंस के थ्रू या फिर क्लासरूम में मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करके आप उनके अंदर ये चीजें स्टैब्लिश करेंगे स्क्रीन टाइम अवेयरनेस टेक्नोलॉजी कई सारी अपॉर्चुनिटीज देती है लेकिन जरूरी है कि स्क्रीन टाइम का ध्यान में रखा जाए बच्चों को ये बोला जाए कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है हम जब इमरजेंट लिटरेसी डेवलपमेंट की बात करते हैं ठीक है ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी मतलब ऑब्वियसली बच्चा इससे बहुत कुछ सीखता है आजकल इतने ऐप्स आ गए हैं इतने प्रोग्राम आ गए हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मैटर करेगा रीडिंग मैटर करेगा स्मूथ ट्रांजिशन टू फॉर्मल एजुकेशन अ स्ट्रॉन्ग इमरजेंट लिटरेसी फाउंडेशन फैसिलिटेट्स द ट्रांजिशन टू फॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग किसी बच्चे का आपने जो इमर्जेंट लिटरेसी फाउंडेशन है वो पढ़ना लिखना सीख रहा है उससे पहले आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया या उसको चीज़ें आपने उसके अंदर जो लिटरेसी स्किल होते हैं वो डेवलप कर दिए ऑटोमेटिकली बच्चा जब पढ़ना शुरू करेगा लर्न करना शुरू करेगा उसके लिए वो इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा इतना सही हो जाएगा कि आगे जाके वो ये चीजें कर पाएगा ठीक है सो आई होप ये आपको समझ में आई हो वीडियो इमरजेंट लिटरेसी को लेके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं प्ले जरूर चेक कीजिएगा यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज देयर कोई डाउट है अगेन आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके काम की होंगी एंड uh, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए थैंक यू सो मच हैव अ आई स्टे आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो